हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल के बीमी और ये नॉक ऑन माय डोर का एपिसोड नंबर 58 और ये टर्किश ड्रामा के अनुसार एपिसोड 10 का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि दा सिरकान इसमें होती है और फिर सिरकान उसे रिंग पहनाता है उनके अनुबंध वाली, और फिर वहाँ पर फेरिट और सेलिन आते हैं। तो फिर सिरकान उन्हें देख कर आश्चर्य जताता है अपना। तो फिर फेरिट बोलता है कि हम आपको यहाँ पर एक सरप्राइज़ देने आए हैं। तो सिरकान पूछता है वो क्या है। तो फिर सलीन बोलती है हम दोनों सगाई के बाद अब शादी कर रहे हैं कि अगले हफ्ते ही। सुनकर सिरकान और अदा बहुत ही टेंशन वाले मूड में आ जाता है। काफ़ी देर रुक कर अदा बोलती है कि आपने कुछ ऐसा कहा कि हम एकदम चौंकी गए थे। मैं ठीक कह रही हूँ ना सिरकान? तो सिरकान बोलता है हाँ। दोनों को बधाई देता है। फिर तभी वहाँ पर फेरिट और पिरल आते हैं इनके साथ। फिर सलीन बोलती है हमने बहुत अचानक फैसला किया, लेकिन फिर बोलता है किस बात की बधाई, हम नहीं मना रहे हैं, ये बताओ मुझे भी जानने हैं। तो फेरिट बताता है इनको कि हम अगले सप्ताह शादी कर रहे हैं। तो फिर बोलती है अगले सप्ताह, क्या यह थोड़ा जल्दी नहीं है? फेरिट बोलता है कि हमने सोचा लेकिन हम एक दूसरे से ज़्यादा देर दूर नहीं रह पाए। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर कि सेलिन और फेरिट बात कर रात में बातचीत कर रहे थे। कि फेरिट सेलिन को बोलता है कि मैं तुम्हें कई दिनों से टाल रहा हूँ, लेकिन हाँ निश्चित रूप से मुझे इसकी जानकारी है और आपने इसे जानबूझकर करता हूँ मैं आपके साथ, लेकिन अब समय आ गया है कि चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए। और फिर फेरिट बोलता है मुझे पता है कि आप सिरकान से प्यार करते हैं, आपने बहुत प्रयास किया लेकिन वो कोई काम का नहीं रहा, मुझे पता है कि आप उसके साथ रहना चाहते हैं। बोलता है चलो हम दोनों सगाई के बाद अब शादी कर लेते हैं, क्योंकि सिरकान को आप भूल ही जाइए, क्योंकि वो पहले से ही अदा के साथ सगाई कर चुका है और वह उससे प्यार भी करता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ सेलिन, फेरिट बोलता है सेलिन को। सेलिन बोलती है फेरिट ये तुम क्या कह रहे हो? फेरिट बोलता है चलिए इस सप्ताह इटली चलते हैं, ये सिरकान के बिना अकेले आराम से समय बिताते हैं। सप्ताह हम बिना सिरकान के इटली में बिताएंगे, फिर यहाँ आकर शादी कर लेंगे। तो फिर इस बात करके लिए सेलिन राजी हो जाती है। ये हुआ था सिर्फ से फेरिट और सलीन के बीच बातचीत, और फिर इसी तरह सलीन मान गई थी। और फिर अब दिखाया जाता है सिरकान के ऑफिस में, और कि फेरिट ये सब सोच रहा होता है। सिरकान को दिखाया जाता है जो कि सबको सीट ऑफर करता है बैठने के लिए। वे लोग बातचीत करते हैं इसी टॉपिक पे कि वे लोग सगाई कर रहे हैं और उसके बाद फिर शादी हो रही है उनकी अब अगले सप्ताह। फिर देर बातचीत के बाद फेरिट सलीन को बोलता है कि चलिए अब हम लेट हो रहे हैं, और फिर वे दोनों चले जाते हैं। और फिर उनके पीछे एंगिन और फिर भी चले जाते हैं, और फिर सिरकान अपना लैपटॉप बंद करता है, काफ़ी टेंशन में कुछ सोचने लगता है। अदा भी कुछ सोच रही होती है। सिरकान से पूछती है तुम ठीक तो हो ना? तो सिरकान बोलता है बिल्कुल भी नहीं, नहीं मैं अदा ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर अदा और सिरकान के बीच भी लड़ाई जैसी स्थिति बन जाती है, यू नो एंग्री मैन। सिरकान बोलता है आपको पता है कि उन्होंने अगले सप्ताह शादी करने का क्यों निर्णय लिया है? क्योंकि हमारा अनुबंध अगले सप्ताह ख़त्म हो रहा है। जब से आपने इस अनुबंध में सिग्नेचर किया आप बस रोज़ यही बोलते हैं कि मुझे आशा है कि यह अनुबंध जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा और मैं आपके जीवन से बाहर होंगी। हमने बस ये बात की थी कि अगर वे टूट जाते हैं और शादी कर लेते हैं तो यह ख़त्म हो जाएगा। मुझे कैसे पता हुआ कि वे लोग शादी करने जा रहे हैं? अदा बोलती है। कौन बोलता है हालांकि जब वे लोग सगाई कर रहे हैं तो यह अनुबंध समाप्त होना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक और सप्ताह रुकें। अदा पूछती है तुम इतने स्ट्रिक्ट क्यों हो, तुम अब क्या चाहते हो? आप क्या मुझे बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सेलिन फेरिट को छोड़ दे और आपके पास आए और फिर आप उसे फिर से इनकार कर दें कि अगर वे आपके पास वापस आती है तो आप शादी कर लेंगे? सिरकान बोलता है अब आज मुझे पता चल गया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। अदा बधाई हो, तुमने तो मुझे पूरी तरह से खोल के रख दिया। फिर अदा पूछती है कि अच्छा अब अगले एक हफ्ते के लिए आप मुझसे क्या चाहते हैं? सिरकान बोलता है देखो मैं एक हफ्ते में फेरिट को दूल्हे के रूप में देखूंगा, मैं इसे इस होल्डिंग में नहीं देखना चाहता। ठीक है कह रहे हैं इसलिए वे होल्डिंग में नहीं आएंगे इसलिए? तो फिर सिरकान बोलता है हाँ बिल्कुल। सिरकान बोलता है कि और आपका ये काम होगा कि आप सेलिन को इटली जाने से रोके और जाओ मेरी माँ से बात करो अब। तो अदा बोलती है तुम्हारी माँ से क्यों? सिरकान बोलता है क्योंकि उनके कथनानुसार वे कुछ दिनों में अलग होने वाले थे, लेकिन कुछ हुआ जिसके बाद उन्होंने एक सप्ताह के अंदर शादी करने का फैसला कर लिया। तो कृपया आप उनके पास जाएं, वो आपको कुछ सुझाव देंगी। ठीक है हम बाद में अब होल्डिंग के पास मिलेंगे। ये सुनकर से अदा सिरकान के ऑफिस से जाने लगती है। तो सिरकान पूछता है बोलता है कि आज तो आपने मुझे हैरान ही कर दिया, आप क्यों नहीं पूछेंगे? तो अदा बोलती है मैं आपको और नहीं ठकाना चाहती। ये बोलकर अदा वहाँ से चली जाती है और सिरकान अपने चेयर पर बैठ जाता है। रैंगिन को दिखाया जाता है जबकि पिरल के पास जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। बोलता है आज आप सुबह से मुझसे बात नहीं कर रही हैं पिरल। तो पिरल बोलती है कि ऐसा है तो सुप्रभात। वो फेरिट और सेलिन के रिश्ते की बात पिरल से करता है कि क्या यह अजीब नहीं था। तो पिरल कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। उसके सिरकान के घर में दिखाया जाता है जहाँ पर कि अदा और सिरकान की मॉम बातचीत करते हैं कि सेलिन ऐसा कैसे कर सकती है। फिर वे लोग प्लान बनाते हैं और फिर अदा के लुक को चेंज करने पर ध्यान देता है। एंड फाइनली अदा का एक नया रूप देखने को मिलता आफ्टर काफ़ी मॉडिफिकेशन।
सिरकान को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस से बाहर निकल रहा होता है फ़ोन पे बात करते करते किसी से। सिरकान बोलता रहता है फ़ोन पे कि आप जल्द से जल्द तैयारी कर रहे हैं, हमें इसे खोना नहीं है बिल्कुल भी। और फिर एंगिन के ऑफिस में जाता है और बोलता है आप टीम इकट्ठा करें, मैं जल्द आता हूँ, सबको मेरे घर लेकर आ जाएं, हम अब मेरे घर में काम करेंगे। और फिर ये बोलकर सिरकान जाने लगता है तो एंगिन बोलता है ये क्या बोल रहा भाई, ये कैसी तैयारी है। सिरकान बोलता है विवाह अनुबंध। तो फिर एंगिन बोलता है ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे अब भी कुछ नहीं समझ में आ रहा। फिर एंगिन बोलता है क्या आप ऐदा को प्रपोज करने वाले हैं। ये देखो क्या सिर्फ शादी के अनुबंध या ऐसा कुछ करने अब शर्म की बात नहीं है। तो फिर कान बोलता है अनुबंध ऐदा के लिए नहीं है। फिर कान बोलता है मुझे अभी काम है मैं जा रहा हूँ। और फिर एंगिन पूछता रह जाता है उससे। एंगिन अपने ऑफिस से निकल कर पिरल की ओर देखता और फिर उसकी ओर जाता है और वहाँ पर पिरल किससे बात कर रही होती है और फिर उसे कुछ काम बता रही होती है। एंगिन उसके पास जाता है, बोलता है तुम्हें क्या लगता है सिरकान बहुत अजीब बिहेव नहीं कर रहा है। तो फिर पिरल उसे इग्नोर कर देती है, फिर से स्टाफ को काम बताने लगती है। जब पिरल वहाँ से जाती रहती है तो फिर एंगिन बोलता है ज़रा सोचिए अब हमारे लोगों ने भी शादी करने का फैसला कर लिया, क्या यह अजीब नहीं है। पिरल बोलती है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एंगिन बोलता है सिरकान और रजा के बारे में। पिरल बोलती है कि आप उनकी शादी के गवाह भी बनेंगे। तो फिर एंगिन बोलता है हाँ ज़रूर क्यों नहीं। पिरल बोलती है मुझे तो लगता है कि आप उसमें भी गायब हो जाएंगे। ये बोलकर पिरल वहाँ से चली जाती है। वेल ये पिरल क्यों बोल रही थी, बिकॉज एंगिन अपनी डेट वाली शाम को भाग गया था और सरीन को अपने घर पे छोड़ गया था और पिरल और सरीन ने साथ में खाना खाया था। वेल ये पिछले पिछले एपिसोड्स का पार्ट है, तो आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर सकते हो। ऐसा को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक ड्रेस में होल्डिंग के पास आती है, जिसे यहाँ पर कि सिरकान उसका वेट कर रहा होता है। फिर ऐसा के आने के बाद सिरकान उसे कॉम्प्लीमेंट देता है, क्या बहुत सुंदर लग रहे हो। वे दोनों अंदर जाते हैं। सिरकान को अपने पिता के साथ बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर कि स्टाफ कॉफ़ी लेकर आती है। तो सिरकान के पिता उसे धन्यवाद देते हैं। सिरकान पूछता है आपके पिछले असिस्टेंट को क्या हुआ। तो फिर वो एलेप्टिकर बोलते हैं कि वो होल्डिंग चली गई, मेरा मतलब हाँ होल्डिंग छोड़कर अंतीलिया चली गई अपने पति के पास। फिर कुछ दस्तावेज जो सिरकान अपने पिता को दिखा रहा था उसे देखकर एलेप्टिकर बोलते हैं कि मुझे इसमें कुछ गलती नहीं लगता, आप जानते हैं कि कोई जोड़ा जब सगाई करता है उसके कुछ समय बाद वे शादी कर लेते हैं, इसमें गलत क्या। सिरकान बोलता है आप कुछ नहीं समझ रहे हैं, वो फेरिट है, यह सब फेरिट का ही काम किया हुआ और वो होल्डिंग में जगह बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसका सीधा कनेक्शन कान से है। एलेप्टिकन बोलता है कि तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं इसमें भी दखल नहीं दे सकता कि शलीन किससे शादी करे और फिर मैं अपने बच्चे के हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता। सिरकान बोलता है हमें सलीन के शेयर खरीद लेने चाहिए, सलीन अभी भी कंपनी की पीआर व्यक्ति के रूप में काम करना जारी रखेंगी लेकिन वो अब पार्टनर नहीं रहेंगी। सिरकान के पिता बोलते हैं कि उसके सलीन के पिता और हम पार्टनर हैं, वो भी कि 40 साल से, और तुम अब कहते हो कि मैं उनसे होल्डिंग खरीद लूँ और सारे शेयर अपने नाम कर लूँ। सिरकान बोलता है मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि फेरिट का सीधा कनेक्शन कान से है। एलेप्टिकन बोलता है कि आपको सलीन की खुशी के बारे में भी सोचना चाहिए, उसे फेरिट बहुत पसंद है। सिरकान बोलता है कि मैं सलीन की खुशी के लिए कंपनी के लॉस को नहीं देख सकता, इसमें बहुत नुकसान हो सकता है और हम बर्बाद भी हो सकते हैं। एलेप्टिकन इस बात को नहीं समझते और फिर सिरकान वहाँ से चला जाता है। मेले को दिखाया जाता है जो कि फेरिट और सलीन की शादी के लिए सब कुछ प्रिपेयर कर रही होती है और फिर उसकी लिस्ट ऐदा देख रही होती है। लोग बातचीत करते हैं तभी ऐदा को सिरकान का कॉल आता है और फिर वो बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ। ऐदा वहाँ से चली जाती है और फिर सरीन को दिखाया जाता है जो कि एंगिन से मिलने सिरकान के ऑफिस आती है। फिर एंगिन बोलता है आप यहाँ पर केस की फाइलें लेने आई हैं सरीन। तो फिर सरीन बोलती है इसी काम के लिए तो आऊँगी, और कोई काम थोड़ी ही है मेरे पास। अगर ऐसा देखिए कि सरीन भी गुस्से में है। एंगिन बोलता है ओह तब ठीक है, मुझे लगा कि तुम उस खाने की चीज़ के कारण मुझ पर अभी भी पागल हो जाओगी। सरीन बोलती है मुझे क्रोध क्यों आना चाहिए, जिसे आप पुरुष कहते हैं वह जानता है कि जिस महिला के साथ आप रहना चाहते हैं उसकी प्रतीक्षा करते हैं, है ना एंगिन। तो फिर एंगिन बोलता है मैं समझ गया, यानी कि तुम नाराज़ हो। तो फिर सरीन बोलती है आप समझ गए जल्दी। फिर एंगिन बोलता है पिरल मुझ पर सुबह से फिदा हो रही थी। सरीन बोलती है आपने अब तक पिरल से माफ़ी भी नहीं मांगी है, आप और आपके मित्र सिरकान इस माफ़ी परिसर में साथ आए थे क्या। फिर सरीन और एंगिन के बीच कुछ बातचीत होती है और फिर सरीन भी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। एंगिन उसे बाहर तक फॉलो करते हुए चलते हुए आता है लेकिन सरीन कुछ बातचीत नहीं करती और फिर वो टैक्सी में बैठकर चली जाती है। फिर वो ऐदा को कॉल लगाती है और उससे बातचीत करती है और बोलती है कि मैंने एक गलती कर दी। वेल बातों ही बातों में सरीन ने ऐदा और सिरकान के अनुबंध के बारे में एंगिन को बोल दिया था, इसलिए वो गुस्सा होकर चली गई थी और ये बात वो ऐदा को बताती है। ऐदा इस बात से खेद व्यक्त करती है, तभी वहाँ पर सिरकान आता है और फिर वो कॉल रख देती है। सिरकान ऐदा के पास आकर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि इस सप्ताह आप हर समय मेरे साथ रहें, यानी कि ये सब खत्म होने तक, जब तक ये समस्या दूर नहीं हो जाती तब तक के लिए। इसकी समस्या तो देखो कोई क्या है, इसकी समस्या सेलिन, सेलिन की शादी,
इतनी डेंजरस समस्या। ओ भाई, फिर अगला पूछते हैं मुझे सलीन को क्या बोलना है। तो फिर सिरकान बोलता है कि उसे आप ऐसा बोलिएगा कि सिरकान आपके सामने आते ही नर्वस हो जाता है। तो अला बोलती है अच्छा ठीक है, और फिर बोलता है सिरकान तो चल ही चलता है। फिर वो लोग सलीन के ऑफिस में जाते हैं और फिर बातचीत करते हैं। तो फिर सिरकान उसे एक फाइल देता है और फिर बोलता है कि इस पर आप और फेरिट दस्तखत करेंगे कि इस कंपनी में फेरिट का कोई हिस्सा नहीं होगा आपकी शादी के बाद भी। फिर सलीन वो फाइल बंद कर देती है और फिर बोलती है कि सिरकान फेरिट के पास बहुत काम है, वो यहाँ की नौकरी में दखल नहीं देगा। सिरकान बोलता है तब तो आपको साइन कराने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सलीन बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये फेरिट के अपमान जैसा होगा। सिरकान बोलता है आप कर सकते हैं। और फिर सिरकान बोलता है कि यदि एक आदमी जो कि कान की साझेदारी में है इसलिए आपसे शादी कर रहा है ताकि वो होल्डिंग में अपनी जगह बना सके और फिर हमारे बीच दखल दे सके, तो आप जानते हैं सलीन की जब तक वो साइन नहीं करता इस पेपर पर मैं उसे ठीक से रहने नहीं दूंगा। सिरकान का हाथ पकड़ लेती है और फिर बोलती है यह कोई बड़ी बात नहीं है सलीन, और फिर सिरकान को शांत रहने बोलती है। सिरकान के पिता को दिखाया जाता है जिसे कि सिरकान की माँ कॉल करती है और फिर बोलती है कि सलीन और फेरिट शादी कर रहे हैं। तो फिर एलेप्टिकन बोलते हैं कि मैं जानता हूँ। फिर एलेप्टिकन उसे अपनी नई असिस्टेंट भी दिखाते हैं और फिर बोलते हैं कि अपना काम बखूबी करती है, बाकी मेरे पास काम नहीं है आज और मैं काम पर वापस जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं अब कुछ करने जा रहा हूँ, बाय। यह बोलकर एलेप्टिकन फ़ोन रख देते हैं। वैसे ये कौन सा काम कर रहे हैं हमको नहीं समझ में, काम नहीं है फिर भी काम खोज रहे हैं। सिरकान को जाते हुए दिखाया जाता है सलीन के ऑफिस से, तभी वहाँ पर फेरिट आता है और पीछे से सलीन भी चलकर आ रही होती है। फिर सलीन आकर फेरिट को बताती है कि ऐदा और सिरकान ने भी शादी करने का फैसला किया, अभी ये लोग बातचीत कर रहे थे तो मुझे पता, ऐसी गुप्त बातचीत कैसे करते हैं मुझे नहीं पता। फिर फेरिट बोलता है कि यानी हम दोहरी शादी कर रहे हैं ना। सिरकान बोलता है लेकिन हमें इतनी जल्दी नहीं है शादी करने की। तो ऐदा बोलती है अभी स्पष्ट नहीं है कि हम शादी कब करेंगे। फिर ऐदा बोलती है कि हम कल ही शादी करेंगे। अरे यार ऐसे लोग रंग बदलते हैं जैसे कि ये लोग तो गिरगिट से भी आ गए। फिर सलीन बोलती है चलो हम लोग गेट तक चलते हैं, और फिर वे लोग ऐदा सिरकान को गेट तक छोड़ते हैं। उनके बीच बातचीत होती है गेट पे आकर कि हम शादी में एक दूसरे की मदद करेंगे, ये करना वो करना। सलीन मेलो के पास कुछ काम करने जाती है तो फिर वो मेलो को ही बता देती है कि सिरकान और अदा शादी कर रहे हैं। और फिर मेलो इस बात सुन के सिरकान और अदा के पास आती है और फिर उनसे पूछती है कि क्या आप सच में शादी कर रहे हैं, मैं अब साली बनने वाली हूँ। फिर ये बात सुनकर मेलो बहुत खुश हो जाती है। सिरकान अपनी मॉम को कॉल करता है और बोलता है मैं अब आपको एक बहुत ही अच्छी खबर देने जा रहा हूँ और ऐदा भी मेरे साथ है। तो फिर सिरकान की मॉम बोलती है कि ये कौन सी खबर है मुझे बताओ। तो फिर सिरकान बोलता है ये आपको ऐदा बताएगी। ऐदा फ़ोन लेती है और फिर बोलती है ऐदा नहीं 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 मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, मैंने सलीन को इटली जाने से मना कर दिया। मैंने यह कहते हुए उसे कहा कि क्या आप मेरी शादी की पोशाक में मदद कर सकते हैं। सुनकर सिरकान की मॉम बहुत खुश हो जाती है कि आपने तो बहुत अच्छा किया, आपने उसे रोक लिया। नहीं कोई बताओ कि कैसे रोकी है, क्या बोल के रोकी है, किसकी शादी के पोशाक के लिए रोकी है। फिर आयतन हनम बोलती है ऐदा को कि मैं तुमको दोपहर में फ़ोन करूँगी, तुरंत आ जाना, हम लोग फिर बातचीत करेंगे और फिर आए ही प्लान के बारे में सोचेंगे। ऐदा बोलती है मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप उन शादी के कपड़ों में से एक मेरे लिए भी आरक्षित कर सकते हैं। तो इसे सिरकान की मॉम एक मजाक ले लेते हैं, फिर बोलती है कि सिरकान मैंने क्या कुछ गलत सुना, सेवड़ा ने शादी का जोड़ा कहा। सिरकान बोलता है हाँ उसने शादी का पोशाक कहा, और ये सुनकर सिरकान की मॉम पूरी तरह चौंक जाती है। फाइनली कंक्लूजन ये निकल कर आ रहा था कि ऐदा अपने लिए भी शादी की पोशाक मांग रही थी। ऐदा बोलती है कि मैंने सलीन को कहा कि मुझे शादी की बहुत जल्दी है और फिर हम बहुत ही जल्दी शादी कर रहे हैं। तो फिर ये सुनकर सिरकान की मॉम बहुत ही टेंशन में आ जाती है और फिर बोलती है ये तुम क्या बोल रही हो, बोलती है आपको नई नकली दुल्हन मुबारकबाद, और फिर कॉल रख देती है। फिर ये सुनकर सिरकान की मॉम बहुत ही टेंशन में आ जाती है। अभी वैले का एक आदमी सिरकान की गाड़ी लेकर आ जाता है और फिर वे लोग गाड़ी से बैठ कर सिरकान के घर जाते हैं, और बाकी सारे स्टाफ पहले से ही काम कर रहे होते हैं। वे लोग कुछ देर वहाँ पे काम करते हैं और फिर ऐदा बोलते हैं कि मुझे हैदर हनम से मिलना, और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर एंगन और फेरिट के मेरा सिरकान के बीच बातचीत होती है ऐदा और सिरकान के रिश्ते के बारे में, कि अब एंगन को भी शक हो गया था कि यह अनुबंध किया है अब सिरकान और अदा का। फेरिट और एंगन को दिखाया जाता है जो माफ़ करिएगा, फिर फेरिट और कान को दिखाया जाता है जो कि बातचीत करते हैं, और फिर फेरिट बोलता है कि मैं अब तुमसे कोई भी दोस्ती नहीं रखना चाहता, और फिर ये बोलकर फेरिट जाता रहता है। तो फिर एंगिन बोलता है आप भूल रहे हैं कि आप सिरकान के दुश्मन हैं, सलीन और सिरकान के बारे में इतना जल्दी कैसे भूल कर। तो फिर फेरिट बोलता है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी इस बारे में भी। तो फिर कान बोलता है कि मेरे पास भले ही अब मैं दिवालिया हो चुका हूँ लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ चालें बाकी हैं सिरकान को बर्बाद करने के लिए। और फिर कुछ नहीं दिखा जाता, सिरकान के गार्डन में दिखा जाता है जहाँ पर कि सब चीज़ें प्रिपेयर की जा रही थी। तब यहाँ पर सलीन आती है और फिर आयदन हमसे बातचीत करती है।
ऐदा और सिरकान के रिश्ते के बारे में। ऐदा उनके पास आती है और फिर बोलती है कि सलीन क्या तुम मेरी मदद करोगी ड्रेस चुनने में, तो फिर सलीन मान जाती है और फिर वे लोग जाने लगते हैं। तभी सिरकान की माँ ऐदा को कुछ टिप्स देती हैं। फिर सिरकान के पिता को दिखाया जाता है जो कि सिरकान से बातचीत करते हैं कि आपने जो सुबह कहा था मुझे उस पर अब दम लगता है, आप सही हो सकते हैं। सिरकान बोलता है आखिरकार आपने सोचा और आपको ये सही लगा। लेप्टिकन बोलता है मैंने कहा कि आप कर सकते हैं लेकिन आपको दूसरे विकल्प पर विचार करना चाहिए। फिर सिरकान पूछता है दूसरा विकल्प क्या है, तो फिर लेप्टिकन बोलते हैं कि हो सकता है कि आप फेरिट के बारे में गलत हो सकते हैं। सिरकान के पिता बोलते हैं कि फेरिट हमारे होल्डिंग में बहुत ही विशेष बिजनेस कनेक्शन बनाने जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। बोलते हैं कि मुझे लगता है कि फेरिट को एक मौका देना चाहिए। और बोलता है मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब तक आप काम कर सकते हैं आप होल्डिंग में काम करें, और जब आपको लगेगा कि आपके बस की नहीं है तब मुझे बुलाइएगा, मैं उस टाइम संभाल लूँगा सब कुछ। तो सिरकान के पिता बोलता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मैं कर लूँगा। सुनकर सिरकान वहाँ से चला जाता है और फिर लेप्टिकन सोचते रहते हैं। फिर ऐदा और सलीन अलग अलग टाइप की इस शादी की ड्रेसेस पहनकर बाहर आती हैं और उन्हें देखते हैं सैफी और फिर सिरकान की मॉम, सब में कुछ कुछ कमियां निकालती हैं। फाइनली सबको पता होगा कि वो ऐदा में कमी निकालेंगी। इनको दिखाया जाता है जैसे कि इस सलीन की बातें याद आती हैं कि सिरकान और ऐदा एक साथ खेल खेल रहे हैं सगाई का। बाकी सारी पुरानी बातें याद आती हैं कि जब उसने बात की थी सिरकान से कि अगर आपको इस पर इतना भरोसा नहीं था तो आपने सिरकाई क्यों की थी इससे। ये सारी बातें सिरकान और अदा के रिश्ते के बारे में एंगिन सोच रहा होता। फिर जहाँ पर सिरकान की मॉम बैठकर सलीन और अदा को देख रहे होते थी वहाँ पर सिरकान भी आता और फिर अदा को देखता है जो कि एक पिंक कलर की ड्रेस में होती है। वेल उसके बाद मेलो को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पहुँच जाती है बहुत खुशी के साथ। वेल आज का हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता और अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि मेलो ने अपने घर में क्या बताया था अदा और सिरकान के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दो आने वाले एपिसोड्स देखने के लिए हिंदी में।